सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा दैनिक भास्कर ग्रुप को फॉर द 20 इयर्स एनिवर्सरी, सो कंग्रेचुलेशंस यू ऑल। हकीकत में सबको आती है और आपकी जाती नहीं। दिस इज द बेस्ट क्राउड आई हैव एवर सीन, सो थैंक यू सो मच। आज यहाँ आकर बहुत खुश हूँ मैं, खासकर क्योंकि जयपुर इज माई फेवरेट सिटी टू कम विजिट। ऑल्सो आई एम हियर टुडे टू सेलिब्रेट विथ समबडी वेरी स्पेशल टू मी। मेरी जो नई पिक्चर है मुन्ना माइकल, उसकी जो हीरोइन है वो मेरे साथ है इस वक्त, एंड आई लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज। सो कैन आई हैव द म्यूजिक प्लीज? हेलो भैया, नाजिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा। ये जो एक नाम है टाइगर, ये कैसे पड़ा? तो कहानी यह है कि बचपन में मैं बहुत काटता था लोगों को, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द नेम टाइगर। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि टाइगर उन्हें काटे इस समय? ओ, ज्यादातर यहाँ पे लड़कियां ही हैं। वेल टाइगर, ऑफ कोर्स द फैक्ट की एक और सवाल है कि इज इट मच मोर इजियर to be part of the industry क्योंकि आप एक फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, या थोड़ा और मुश्किल हो जाता है because pressure आप पे ज़्यादा होता है? I think pluses और minuses दोनों हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं जैकी श्रॉफ का बेटा हूँ, पर एक दूसरा साइड है कि यू नो एक एक्सपेक्टेशन है मुझ पर, एक उम्मीद है स्टार किड्स पे। यू नो लोग सोचते ये एक्टर बनना बहुत आसान है, पर सच में बहुत बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक ऑल द ग्लोरी एंड ऑल द लव दैट द एक्टर्स गेट इज वेरी डिजर्विंग बिकॉज दे पुट इन सो मच ऑफ हार्ड वर्क। एंड कमिंग बैक योर क्वेश्चन, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बाप बाप होता है और मेरा बाप सबका बाप है, तो यू नो इट्स नॉट इजी बीइंग हिज सन। बिल्कुल सही कहा, इनका बाप जो है सबका बाप है, भिड़ू, वहां भिड़ू कहा जाता है। बट ऑफकोर्स 20 years of Dainik Bhaskar, it's been a long, long journey. Well, what would you like to say about that? Definitely. Like I said, sabse pehle main congratulations kehna chahunga. I can't thank you all enough for all the news. You all go over so many districts and so many places. Right. So, you know, because of you, we are little more up to date in life. So, uske liye main bahut bahut शुक्रिया कहना चाहूँगा दैनिक भास्कर ग्रुप को। थैंक यू सो मच। एंड दैनिक भास्कर ग्रुप, दिस इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज फ्यूचर में इफ यू थिंक वी आर वर्दी, प्लीज डू प्रमोट आवर फिल्म्स। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर डेफिनेटली दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। लेट मी कम डाउन टू दिस ब्यूटिफुल लुकिंग फर्स्ट फिल्म, राइट? दिस इज माय फर्स्ट फिल्म। ओके, तो पहली चीज तो मैं कहूंगा कि यू लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। थैंक यू। आपको आइडिया नहीं है कि मैं इतने करीब यहाँ पे खड़ा हूँ, ये कितनी सुंदर लग रही हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। सुंदर लग रही हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, सुनाई दिया, लग रही हैं कि नहीं? ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच जयपुर। ओके, पहली फिल्म कैसे मिली? आई मीन ये पहला सवाल जितने लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे, डिड यू जस्ट गेट द फिल्म और काफी वर्क हार्ड करना पड़ा? वर्कआउट भी करना पड़ा, वर्क हार्ड भी करना पड़ा, एक्टिंग में, डांस में, बिकॉज टाइगर इतना ज्यादा अच्छा डांसर है कि उसके पास में डांस करना इतना मुश्किल होता है। तो ऑफकोर्स डांस ऑडिशन हुए, एक्टिंग ऑडिशन हुए, तो मीटिंग हुई उससे पहले, 3-4 राउंड क्रॉस करके फिर मुझे फिल्म मिली। लोग अक्सर कहते हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। कभी नहीं पूछनी, राइट? आप मुझसे नहीं पूछोगे ना। चलिए मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मुझे यह बताइए कि दैनिक भास्कर ने जो 20 साल पूरे किए हैं वो ज्यादा है या आपकी उम्र ज्यादा है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दैनिक भास्कर ने जो 20 साल पूरे किए हैं वो ज्यादा है, उससे थोड़ा ज्यादा। थोड़ा। ओके, एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा ज्यादा। ठीक है, टाइगर कमिंग बैक टू यू,
ऑफ कोर्स आपके जो डांस मूव्स हैं, आपके जो फाइट मूव्स हैं, सारे के सारे लोग कायल हैं. एवरीबॉडी लव्स द वे यू मूव.